एक मैकवेजी, एक कोल्ड कॉफी और एक पिज्जा पफ कर देना। ले लीजिए। हेलो माय लवली पीपल। सो आज मैं सुबह सुबह निकला हूँ चंडीगढ़ के लिए। तो अगली बार आप कभी मुझे सुबह सुबह, अगर आपको पहला शॉट मैकडी का दिख रहा है तो मतलब लड़का निकल चुका है। ऑफिस रिलेटेड काम है एंड बहुत ही जल्द लाइफ में काफ़ी खतरनाक चेंजेस आने वाले हैं विच आई विल बी शेयरिंग शॉर्टली। आई माइट बी रिलोकेटिंग फ्रॉम गुड़गांव। यस, पार्टी वाले ब्लॉग में कुछ ज़्यादा तारीफ होगी गुड़गांव और गुड़गांव के कल्चर की। भगवान ने बोला बेटा चले यहाँ से, अब तो ज़्यादा कम्फर्ट जोन में आ रहा है। और मेरे साथ जेव, हेलो जेव, मेरे साथ जेव भी जा रहा है। तो जे मेरे साथ ट्रैवल हमेशा करती है मैंने वाला मैं चंडीगढ़, बिकॉज यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसा। एंड जे का सबसे बड़ा फायदा ये है डाटी, ये गाड़ी में बिल्कुल परेशान नहीं करती है, चुपचाप बैठा रहता है मेरा बेटा, है ना। मोड़ी भुखर देखो, खिलाया तो है मैंने आने से पहले। अभी एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है दैट इज 8:37। आई वोक अप अराउंड 6 o'clock। कि मैंने रात को ही सारा सामान पैक वैक करके गाड़ी में रख दिया था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा सुबह। आई वोक अप, जे को खिलाया, हैड बाथ, ब्रश किया, जे को घुमाया एंड आई लेफ्ट। सो गाइस, विद दिस आई बिगिन माय सोलो जर्नी टू चंडीगढ़। मैं सोलो जर्नी तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, बट सोलो जर्नी टूवर्ड्स चंडीगढ़। पहुँच जाएंगे हम 12:00 तक, तो चंडीगढ़ के फिर नज़ारे दिखाते हैं आप। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं, पता नहीं हाईवे पे क्या करते रहते, समझ नहीं आता मुझे। इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू लाइक मोर, ड्राइविंग इन प्लेन्स और ड्राइविंग इन हिल्स? पहाड़ों में गियर अप डाउन ओवरटेक करने के लिए, मतलब आई थिंक दैट इज वेरी एक्साइटिंग। एंड प्लेन्स में काफ़ी बोरिंग हो जाता है, लाइक अभी ये राइड है मतलब जस्ट हैव अ लुक, इट्स ऑल स्ट्रेट, तो मतलब वेरी बोरिंग। ये सब करना वैसे इतना टफ नहीं है, बट सोलो थोड़ा टफ हो जाता है, मेहनत का फल मीठा भी होता है। कर सकते हो जिसका सही आंसर हुआ उसको हम फीचर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस पीछे स्पीड वाला कैमरा था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आगे पुलिस वाले भी होंगे। मेरा एचपी नंबर है तो हाई चांसेस कि आपको रोका जाएगा, बट नहीं रोका गया। एंड ये खड़े देखो पुलिस वाले, बच गए। आज टोल्स पे वैसे इतना रश नहीं मिला मुझे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द डेज, वरना काफ़ी ज़्यादा रश होता है कभी कभी टोल्स पे। दिल्ली से
चंडीगढ़ जाने में लगभग 500 रुपए का तो टोल ही लग जाता है। पीपल वर लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस टू ट्रैवल, शताब्दी इज अ गुड ऑप्शन, देन यू हैव ब्लाबला कार्ड्स। मेरा एक ब्लॉग भी है उसमें ब्लाबला कार्ड्स में, विच आई ट्रैवल्ड फ्रॉम चंडीगढ़ टू गुड़गांव एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। ऑलमोस्ट रीचिंग करनाल नाउ। अभी प्रीति से बात की है, प्रीति भी चंडीगढ़ में काफी टाइम से। अभी हम प्रीति को भी मिलेंगे, टेक इट इजी टीम को भी मिलेंगे, साहिल और अक्षय को शाम को, या मे बी वो ऑफिस चले जाए जब तक मैं उनके पास पहुंचूं। तो लेट्स सी क्या रहता है। जे अभी भी नीचे गाड़ी में ही है। बहुत देर से ये ब्रिजेस देखता हुआ आ रहा था, तो मैंने सोचा था किसी एक ब्रिज पर रुकूंगा जहाँ पे मेरी गाड़ी आराम से साइड पे लग सके, कोई रिस्क ना हो बिकॉज ये गाड़ी में। तो इट वाज गुड, अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ऑफिस का काम भी करना है भाई पहुँच के। सी यू। चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़। ये कॉलेज के टाइम पे हम इस एरिया में काफी ज्यादा आते थे एंड आई एम कमिंग ओवर हियर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 7 years एंड सब कुछ बदल चुका है भाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था पहले एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच। ऐसे मॉल्स बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन चुकी है, बिल्डिंग्स बन चुकी है। जब से ये एयरपोर्ट वाला सारा हिसाब किताब चेंज हुआ था चंडीगढ़ का, तब से यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। वेरी नाइस। ये रहा बनोड़ के लिए रास्ता, तो बनोड़ हम जाते थे, बनोड में मेरा एक फ्रेंड भी रहता था जसकरण, और बनोड से ही हमारे कॉलेज का रास्ता भी था। काफी पुरानी यादें ताजा हो गई है यहाँ के। हरदिल एंड मीनू अगर तुम देख रहे हो तो मिलाई वाली लेगेसी कंटिन्यूज एंड आज हमारे साथ है प्रीति रुपता। जियो, तू भी खाएगा? जी को भी खिला देता हूँ। जी रुपता, आप खाओगे? प्रीति और जी भाई काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, दो अच्छे से मिल नहीं पाया अभी गाड़ी में। ये लोग खा लीजिए। ओ वाह 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 वाह, जियो भी खा रहा है। गाइस लिफ्ट देख के समझ आ गया होगा वेयर आई हैव रीच्ड। तो हम टेक इट इजी वालों के घर पहुंच चुके हैं, बट टेक इट इजी वाले कोई भी नहीं मिलेंगे अभी, ध्रुव और अक्षय दोनों ऑफिस गए हुए हैं, तो दे विल रीच समवेयर अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। लेट्स सी, मास्टर जी होंगे घर पे, उनसे मिलते हैं तब तक, मास्टर जी और सेवी से।